जो गुज़िश्ता एक महीने से मेन शाहराए तोरखम पे धरना दिए बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ उनकी जो डिमांड है वो वापस जाने के लिए उन्होंने धरना दिया हुआ है। लिहाजा वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? हमें तो कोई बताए कि आप लोग जब डॉलर की उसूल के लिए ये फाटा में जो गेम खेल रहे हो, वहाँ पे लोगों को मुतासर करके, वहाँ पे लोगों के घर मसमार करके, वहाँ पे लोगों को शहीद करके जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या ये कितनी बार ये हो चुका है ये एक्सरसाइज? और इस जुल्म और जबर से अगर आप लोग का अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने कि वहाँ पे अमेरिका ने कितना बारूद इस्तेमाल, इस तरह फाटा में जो आप लोग कर रहे हो इससे अमन नहीं आएगा। इसे और यहाँ वहाँ के लोग उठेंगे हुकूमत के खिलाफ भी और इन लोगों के खिलाफ भी जो वहां पे गर्मस्मार करे। स्पीकर साहब, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी हमें बताए कि ये जो आजकल वहां पे मिलिटेंट फिर रहे हैं, क्या वहां पे हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि उनके खिलाफ एक्शन ले? क्या वहां पे जो वसला जो असलहा लेके वहां पे फिर रहे हैं, क्या ये वहां पे जो हमने फेंसिंग की है ये कहां से आ गए? जयो सो खबरें दा पख्तों की दे कबाइल होता कौम चे कबाइल आगा कौम दे चाची दा पाकिस्तान जोड़ करे दे चाची दे कश्मीर आगा दे इंडिया ना पाक कदमुना वापस करी दे कश्मीर आजाद करे दे द पख्तनो द कबाइलो रिकॉर्ड दे पदामल के ओ पदे खौरा जमुग हजार साल तारीख दे अस्ता 78 काला पदे क्या 77 काला तारीख दे द पाकिस्तान ताल तमान पर दे माना शनाके तिखा शनाख्ती कार्ड वाले जमा तलाशी के जदा जलम व जबर पर पाटा की नोर न मानम। लिहाजा स्पीकर साहब ये सुन ले कि वहां पे मजीद दहशतगर्दी सारे पार्टियां वहां पे कल सेमिनार हुआ है, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये वफाकी हुकूमत और वहां पे एस्टेब्लिशमेंट ये जज्म इस्तेकाम के लिए राह हमवार कर रही है। लिहाजा इनको रोकिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत ये जहां पे जो जो डिंगे मारते हैं कि हमने ये क्या है और नवाज शरीफ ने ये क्या है, अभी अमन लाए वहां पे, आप लोगों की जिम्मेदारी है वहां पे। लिहाजा एक तो ये बात है, दूसरी बात स्पीकर साहब आप लोग आपने एक कमेटी बनाई है, मैंने स्टैंडिंग कमेटी में ड्रेस कोड के हवाले से एक इख्तिलाफी नोट जमा किया था, वो आपने इस पे एक कमेटी बनाई है, क्या इस मुल्क में अमन के लिए आपकी कोई कमेटी नहीं है? यहाँ पे जो रिजर्व सीटें हैं और वहां पे ख्वातीन की नुमाइंदगी के लिए बैठी हैं वहां पे, यहाँ पे आके उन्होंने ख्वातीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके लिए हिले बहाने बना रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया। खोलें कि कोई यहाँ पे बिजनेस हो रहा है अपनी मफादात के लिए, जो यहाँ पे इस फ्लोर को इस्तेमाल किया जा रहा है ये जुल्म और जबर है। शुक्रिया जी। सैयद तारिक हुसैन साहब।